नमस्कार, मैं हूं सबा शाहिद शेख। आप देख रहे हैं न्यूज 24 यूपी उत्तराखंड। अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से विवादों के घेरे में आ गए। पहले उन्होंने रामचरितमानस पर आपत्तिजनक बयानबाजी की थी, फिर उन्होंने साधु संतों पर भी जमकर प्रहार किया था, यहाँ तक कि उन्होंने हिंदू मंदिरों पर भी बयानबाजी की थी। लेकिन अब उन्होंने एक और नए विवाद को जन्म दे दिया है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने सबको दिवाली की बधाई दी, लेकिन इस दौरान उन्होंने मां लक्ष्मी पर सवाल खड़े किए, जिसके बाद वो एक बार फिर से लोगों के निशाने पर आ गए। क्या है पूरा मामला, देखिए आज की इस रिपोर्ट में। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिवाली के दिन सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने मां लक्ष्मी को लेकर सवाल उठा दिए, जिसके बाद यूजर्स ने उन्हें जमकर ट्रोल किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि दुनिया में पैदा होने वाले सभी बच्चे दो हाथ दो पैर दो कान दो आंख के साथ पैदा होते हैं, तो मां लक्ष्मी के चार हाथ कैसे। दिवाली पर उनके इसी पोस्ट को लेकर वो लोगों के निशाने पर आ गए। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिखा कि दीपोत्सव के अवसर पर अपनी पत्नी की पूजा और सम्मान करते हुए कहा कि पूरे विश्व के प्रत्येक धर्म जाति नस्ल रंग और देश में पैदा होने वाले बच्चे के दो हाथ दो पैर दो कान दो आंख दो छिद्रों वाली नाक के साथ एक सिर पेट और पीठी होती, चार हाथ आठ हाथ दस हाथ बीस हाथ और हजार हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा ही नहीं हुआ, तो चार हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती। यदि आप लक्ष्मी देवी की पूजा करना ही चाहते हैं तो अपने घर वाली की पूजा और सम्मान करें, जो सही मायने में देवी, क्योंकि आपके घर परिवार का पालन पोषण सुख समृद्धि खान पान और देखभाल की जिम्मेदारी बहुत ही निष्ठा के साथ निभाती। वही इस पोस्ट के बाद से स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से लोगों के नजरों में आ गए। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं जब उन्होंने विवादित बयान दिया हो। विवादों का और स्वामी प्रसाद मौर्य का तो मानो पुराना नाता है। वो अक्सर कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे विवाद हो ही जाता है। उन्होंने रामचरितमानस को लेकर कहा था कि कई करोड़ लोग रामचरितमानस को नहीं पढ़ते, सब बकवास है, जिसे तुलसीदास ने अपनी खुशी के लिए लिखा है। सरकार को रामचरितमानस के आपत्तिजनक अंश हटाने चाहिए या इस पूरी पुस्तक को ही बैन कर देना चाहिए। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई भी दी और कहा कि मेरा मतलब लोगों की भावनाएं आहत करना नहीं था। उन्होंने कहा था कि पुस्तक में जो आपत्तिजनक अंश है बस उन्हें हटा देना चाहिए। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कई बार इस तरह का बयान दिया है जिसका हम व्याख्या भी नहीं कर सकते। उन्होंने सनातन धर्म पर तमाम सवाल खड़े किए थे, ब्राह्मणों सहित साधु संतों को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया था, यहाँ तक कि उन्होंने हिंदू मंदिरों पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। एक बार तो उन्होंने पीएम मोदी को टारगेट करते हुए भगवान राम पर भी बहुत कुछ बोल दिया था। तो अपने विवादित बयानबाजियों की वजह से हमेशा सियासत गरमाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के राजनीतिक सफर के बारे में भी जान लीजिए। आपको बता दें कि बसपा से बगावत करके स्वामी प्रसाद मौर्य 2017 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो गए थे। पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने अपना दल बनाने की कोशिश भी की थी, साथ ही कई दलों से संपर्क भी साधा था, जिसके बाद उन्हें बीजेपी का साथ मिल गया था। फिर बीजेपी से निराश होकर उन्होंने 2022 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का साथ छोड़कर सपा का हाथ थाम लिया। फिलहाल के लिए इस खबर पर इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 यूपी उत्तराखंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।